भी जो है वो गन्ने को साफ किया जा रहा है, थ्रेशर यहाँ पे लगी हुई है और लोग माशाल्लाह गन्ना भी इकट्ठी करके यहाँ पे डाल रहे हैं। और ये देखें माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत मंजर है। सऊदी अरब में भी अब्दुल्ला भाई के साथ सफर होता था तो कुरकुरे लाजमी होते थे, लेकिन वो वाले कुरकुरे जो है बहुत ज्यादा स्पाइसी होते थे। पाकिस्तान में ये ग्रीन जो मिलते हैं ना कुरकुरे, माशाल्लाह बहुत ज्यादा। ये अब इस वक्त टिकट लेने वालों का रश चेक करें, अच्छे लेकिन नुकसानदेह। अगर हम यहाँ पे देखें माशाल्लाह सनसेट के बहुत ही खूबसूरत मनाजिर हैं इस वक्त, और झूलों पे लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन ये झूला जो है ये मुझे बहुत ही ख़तरनाक झूला लगता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं मोहम्मद याकूब। सबसे पहले दरूद व सलाम, अल्लाहुम्म सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना हबीबिना मुहम्मद व अला आलिही व सहबिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज इंशाल्लाह हम जा रहे हैं मुल्तान में, एक नया पार्क ओपन हुआ है जिसका नाम है कश्मीर पार्क। DHA में ये बनाया गया है, तो सुनने में यही आया कि बहुत ज़बरदस्त पार्क है, तो इंशाल्लाह चलते हैं। यहाँ से तकरीबन आलमोस्ट आधे घंटे की ड्राइव है, 20-25 किलोमीटर का रास्ता है तकरीबन, तो इंशाल्लाह चलते हैं और कश्मीर पार्क का आज विज़िट करेंगे इंशाल्लाह। जो आम का सीज़न है वो शुरू होने वाला है, दरख्तों पे फल लग चुका है और इंशाल्लाह 1.5-2 माह के अंदर जो फलों का बादशाह है वो मार्केट में आना शुरू हो जाएगा। ये आप देखें माशाल्लाह, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ कि फल जो है ये देखें माशाल्लाह तबारकल्ला, फल जो है वो लग चुका है माशाल्लाह। इंशाल्लाह 1.5 से 2 माह के अंदर फ्रूट जो है वो मार्केट में आना स्टार्ट हो जाएगा जी माशाल्लाह। आजकल गंदम का सीज़न चल रहा है और ये देखें यहाँ पे गंदम की जो है वो गंदम को साफ़ किया जा रहा है, थ्रेशर यहाँ पे लगी हुई है और लोग माशाल्लाह गंदम इकट्ठी करके यहाँ पे डाल रहे हैं। और ये देखें माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत मंजर है जी, यहाँ पे गंदम की छनाई की जा रही है माशाल्लाह। गर्मियाँ इस दफ़ा थोड़ी लेट स्टार्ट हुई है, अभी तक गर्मी स्टार्ट नहीं हुई पंजाब में, और लग रहा है कि इंशाल्लाह अगले चंद दिनों तक भी गर्मी का जोर नहीं शुरू होगा। यहाँ पर देखें माशाल्लाह जो गंदम की कटाई है वो तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है और नेक्स्ट फसल के लिए जल्दी जो है ना इसको तैयार कर लेंगे ज़मीन। हम कादरपुर रामा के इलाके में पहुंच चुके हैं और इस नहर का थोड़ी दूर आगे हेड भी है और इंशाल्लाह सफ़र हमारा जारी और सारी है। और यहाँ से कादरपुर रामा के बाद तकरीबन आलमोस्ट 10 से 15 मिनट की हमारी मज़ीद ड्राइव होगी। सफ़र जारी है और उसके साथ साथ हम खा रहे हैं कुरकुरे। माशाल्लाह सऊदी अरब में भी अब्दुल्ला भाई के साथ सफ़र होता था तो कुरकुरे लाजमी होते थे, लेकिन वो वाले कुरकुरे जो हैं बहुत ज़्यादा स्पाइसी होते थे। पाकिस्तान में ये ग्रीन जो मिलते हैं ना कुरकुरे, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त ज़ायका इनका, माशाल्लाह तबारकल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हम मुल्तान लाहौर हाईवे पर पहुँच चुके हैं और यहाँ से मेरे ख्याल में 2 से 2.5 किलोमीटर के बाद जो है वो एंट्री पॉइंट दिया गया है DHA का, तो इंशाल्लाह वहाँ से हम एंट्री करेंगे। और ये देखें जी माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत फूल लगे हुए हैं फुटपाथ पे, ये देखें जी माशाल्लाह तबारकल्लाह। तकरीबन हम जो DHA का एंट्री गेट है कादरपुर रामा वाली साइड से उसके करीब पहुँचने वाले हैं। और ये जो रोड पर आप देख रहे हैं माशाल्लाह इस फुटपाथ को बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है, तो ये DHA वालों ने बनवाया है ताकि यहाँ का जो एंट्री पॉइंट है उसकी जो बाहर की एलिवेशन है वो खूबसूरत हो। और ये जी हम पहुंच चुके हैं DHA का जो एंट्री पॉइंट यहाँ पे दिया गया है और इस गेट का नाम रखा है शाहरुख आलम गेट। और यहाँ से इंशाल्लाह होते हुए हम कश्मीर पार्क पहुँचेंगे और ये जी हम DHA में इंटर हो गए हैं। ये जी हम कश्मीर पार्क के पास पहुँच चुके हैं, ये देखें जी इस साइड पे आपको झूले ये नज़र आ रहे होंगे, ये कश्मीर पार्क के अंदर ही हैं। अब देखते हैं जी इसका एंट्री पॉइंट कहाँ पे है, ये एंट्री पॉइंट के पास ही हम हैं इस वक्त तकरीबन, तो आप इसे इंशाल्लाह यू टर्न लेके तो फिर एंट्री करेंगे जी हम कश्मीर पार्क में। हम पहुँच चुके हैं इस वक्त कश्मीर पार्क के पास और गाड़ी पार्क करते हैं। और कार जीप की जो प्राइस है यहाँ पर वो 70 रुपीज़ रखे गए हैं गाड़ी पार्क करने के लिए जी। हम पहुंच चुके हैं इस वक्त कश्मीर पार्क के मेन एंट्रेंस पॉइंट पे, चलते हैं और टिकट परचेज़ करते हैं। सबसे पहले एंट्री टिकट की जो प्राइस है वो 75 रुपीज़
है और अंडर 5 ईयर जो बच्चे हैं वो फ्री हैं। हम दाखिल हो चुके हैं इस वक्त कश्मीर पार्क में और आगे चल के देखते हैं कि जी इन्वायरमेंट किस तरह का है। फैमिलीज अच्छी खासी इस वक्त आई हुई हैं यहाँ पे। ये हम इस वक्त कश्मीर पार्क में इंटर हो चुके हैं। माशाल्लाह पार्क अभी तो बहुत खूबसूरत लग रहा है और ये देखिए जी माशाल्लाह फ्लावर्स बहुत प्यारे यहाँ पे लगाए गए हैं और अच्छी खासी तादाद में फैमिलीज़ भी यहाँ पे इस वक्त विज़िट के लिए पहुँची हुई हैं। तो आगे चल के देखते हैं कि क्या माहौल है और क्या क्या झूले बच्चों के लिए अवेल किए गए हैं यहाँ पे। यहाँ पे बच्चों के लिए स्लाइडिंग का बहुत ज़बरदस्त इंतज़ाम है और ये देखें माशाल्लाह बच्चे बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। माशाल्लाह बहुत बड़ा झूला जो है यहाँ पे ये देखें माशाल्लाह प्रोवाइड किया गया है बच्चों के लिए। आज काफ़ी अच्छे के बाद जो है ना ये पापड़ खाने का मौका मिल रहा है तो ये चेक करते हैं जी पापड़ कैसे हैं। अच्छे लेकिन नुकसानदेह है, अच्छे तो है लेकिन नुकसानदेह ज़रूर है। आज वेदर बहुत ज़बरदस्त हुआ है मुल्तान का, बिल्कुल जो है गर्मी महसूस नहीं हो रही, ठंडी हवा चल रही है और यहाँ पे देखें माशाल्लाह फैमिलीज जो है वो बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही हैं और ये झूला देखें जी माशाल्लाह इसमें बच्चे बैठ के बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे देखें फाउंटेन का अरेंजमेंट भी किया गया है और आई थिंक शायद रात के वक्त यहाँ पे कोई लाइटिंग का इंतज़ाम भी हो। और इस साइड पर अगर हम देखें तो माशाल्लाह काफ़ी सारी तादाद में झूले जो हैं वो बच्चों के लिए प्रोवाइड किए गए हैं और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा तादाद में फैमिलीज़ भी आई हुई हैं, बच्चे खूब इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर। माशाल्लाह सनसेट के बहुत ही खूबसूरत मंजर है इस वक्त, सनसेट थोड़ी देर में होने वाला है और यहाँ पे देखें माशाल्लाह कुछ भी कभी 8-10 किस्म के झूले जो हैं वो प्रोवाइड किए गए हैं बच्चों के लिए और ये छोटी सी नहर बनाई गई है जिसमें काफ़ी सारे पॉइंट्स पे फाउंटेन दिए गए हैं खूबसूरती के लिए। और ये उस साइड पर अगर हम देखें तो माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत व्यू है और बहुत प्यारे प्यारे फूल हैं। चलते हैं उस साइड पे और चल के इन फूलों को देखते हैं माशाल्लाह। ये देखें जी माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत फ्लावर यहाँ पे लगाए गए हैं लेकिन ये जो फ्लावर हैं इनकी शायद लाइफ जो है वो ज़्यादा नहीं होती, जैसे गर्मी यहाँ पे मुल्तान में आप जानते हैं कि गर्मी वैसे बहुत ज़्यादा होती है तो जैसे गर्मी ज़्यादा होगी तो ये फूल भी शायद मुरझा जाए। और यहाँ पर देखें माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत मंज़र है इस वक्त सनसेट का और साथ में फ्लावर्स अपना ही एक नज़ारा पेश कर रहे हैं माशाल्लाह। यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त ट्रैक एक जो है वो दिया गया है स्कूटर ड्राइव करने के लिए। अब इसके टिकट की कितने प्राइस हैं वो चल के देखते हैं कि यहाँ पे जो ये ट्रैक है इस पर बाइक चलाने के क्या चार्जेस पे करने पड़ते हैं। और ये देखें माशाल्लाह लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। ये देखें जी अगर हम यहाँ पर देखें माशाल्लाह सनसेट के बहुत ही खूबसूरत मनाज़िर हैं इस वक्त और झूलों पे लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं लेकिन ये झूला जो है ये मुझे बहुत ही ख़तरनाक झूला लगता है और ज़िंदगी में कभी ट्राई भी नहीं किया और ना ही ट्राई करने का शौक है। लेकिन जी माशाल्लाह बच्चे बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं राइड से। यहाँ पे जो टिकट है वो 200 रुपीज़ है बट हमें ये ट्राई करने के लिए नहीं देंगे, जो एज लिमिट है वो 8 साल से लेके 18 साल तक को प्रोवाइड की जाती है। किसी भी राइड की जो टिकट प्राइस है वो 200 है, इस में 2 राउंड आप लगा सकते हैं बट जो एज लिमिट है वो 8 साल से लेके 18 साल तक के बच्चों को ये राइड लेने की इजाज़त है, इससे बड़े भी राइड नहीं ले सकते और इससे छोटे भी जो हैं वो राइड नहीं ले सकते। नमाज मगरिब का टाइम होने वाला है और इस वक्त आप देखें माशाल्लाह लाइटिंग जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ऑन की जा रही है और यहाँ पे देखें माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत इन्वायरमेंट लग रहा है लाइट ऑन होने के बाद। और अभी हमारा जो आज का ट्रिप था वो हम एंड करते हैं और वापस चलते हैं अपनी गाड़ी की तरफ। अगर हम इस वक्त देखें तो माशाल्लाह ये देखें जी सामने एक आई थिंक इसको पंचक्की कहते हैं मेरे ख्याल में, बहुत ही खूबसूरत मंजर पेश कर रही है यहाँ पर इस वक्त। और ये साइड पे देखें माशाल्लाह बच्चे झूलों में खूब इंजॉय कर रहे हैं। मुझे यहाँ पे दिन के मुकाबले में इस वक्त ज़्यादा रौनक लग रही है, मैं ऑलमोस्ट असर की नमाज़ के बाद ही यहाँ पे पहुँचा था लेकिन इस वक्त जो है वो मुझे लग रहा है कि जो लोग इस वक्त इंटर हो रहे हैं उनकी तादाद ज़्यादा है और माशाल्लाह यहाँ पर आप देखें कि रश भी जो है वो अच्छा खासा है इस वक्त।
माशाल्लाह ये अब इस वक्त टिकट्स लेने वालों का रश चेक करें, मैं भी एग्जिट हुआ हूँ यहाँ से, लेकिन आप माशाल्लाह रश चेक करें कि रश किस कदर है यहाँ पे इस वक्त जो लोग पार्क के अंदर जा रहे हैं इस वक्त। माशाल्लाह जो कश्मीर पार्क DHA में बनाया गया है बहुत ज़बरदस्त पार्क है और बच्चों के लिए बड़ा ज़बरदस्त यहाँ पे इन्वायरमेंट दिया गया है। और जो ATV राइड थी वो हम ले नहीं सकते थे एज लिमिट की वजह से, वरना हम ATV राइड तो ज़रूर ट्राई करते हैं। बाकी झूलों का शौक़ नहीं है वरना झूले भी हम ट्राई करते हैं। बाकी माहौल यहाँ पे बड़ा दोस्ताना है, बच्चों के लिए फ्रेंडली माहौल है और झूले अच्छी खासी तादाद में यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं और सफाई माशाल्लाह बहुत अच्छी थी और माहौल भी माशाल्लाह बहुत प्यारा है। मैं आप सबको रिकमेंड करूँगा जो मुल्तान में रहने वाले हैं वो इस पार्क का ज़रूर विज़िट करें फैमिली के साथ और आपके बच्चे यकीनन यहाँ पर इंजॉय करेंगे। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ लगे घंटी के आइकन को दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आपको मिले। नेक तमन्नाओं के साथ इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके साथ एक नए ब्लॉग में मुलाकात होगी। तब तक के लिए वस्सलाम।